So hello everyone and welcome back to my channel. In today's video we are going to be discussing all the questions from the section of poetry. We are going to be seeing all the poets and all the poems and all the lines that have been asked from this particular section. I have made this particular video in a decreasing order session because you all must be probably knowing by now ki aapke British literature ke andar jo aapke starting wale jo ages hain usme se ab questions kam puche jate hain in comparison to the ages that are your postmodern एज या मॉडर्न एज विक्टोरियन एज. तो हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे सो दैट आप लोग उन क्वेश्चंस को सबसे पहले करो जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी आपकी सबसे ज्यादा होती है. द नंबर वन क्वेश्चन दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज व्हिच फेमस इंग्लिश पोएट एट एन अर्ली एज अनाउंसिंग हिज एडमिरेशन फॉर डीएच लॉरेंस excitedly wrote to his friend, I have been reading Sons and Lovers and feel ready to die. If Lawrence had been killed after writing the book, he'd be still be England's greatest novelist. मतलब हम लोग को यहाँ पे clearly दिखाई दे रहा है कि there is some poet जो आपके D.H. Lawrence को बहुत ज़्यादा admire करता है, इनके works को admire करता है and ये claim करता है कि अगर आपके जो D.H. Lawrence है इनकी Sons and Lovers को पढ़ने के बाद अगर ये इस particular work को लिखने के बाद नहीं मरे होते तो probably ये आपके इंग्लैंड के सबसे बड़े पोएट या फिर सॉरी द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट बन जाते. ये बात किसने बोली है? ये बात बोली है आपके बहुत ही फेमस पोस्ट मॉडर्न पोएट ने जिनका नाम है फिलिप लार्किन. ये बहुत ही फेमस पोएट हैं आपके जिनके काफी सारे वर्क से आपके यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये आपके पोएट होने के साथ साथ अपने करियर के अंदर एक लाइब्रेरियन थे, एक लाइब्रेरी में काम करते थे एंड बहुत सारे राइटर्स की वर्क्स को ये पढ़ा करते थे. आउट ऑफ ऑल द राइटर्स दैट ही एडमायर्ड ये सबसे ज्यादा पसंद करते हैं डीएच लॉरेंस को. एंड अपने बायोग्राफिकल एलिमेंट्स में भी जब आप इनकी बायोग्राफी को पढ़ेंगे तो आपको बहुत हद तक डीएच लॉरेंस एंड बाकी मॉडर्न राइटर्स का इनके वर्क्स के ऊपर एक बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस एंड प्रभाव देखने को मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को दिखाई देता है इज सिमिलर फ्रॉम फिलिप लार्किन. आपको क्वेश्चंस काफी ज्यादा मैं इंटरकनेक्टेड कराऊंगी ताकि आपके मन में अगर किसी एक पर्टिकुलर राइटर को लेके कोई छवि बन रही हो तो वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस उसी के ही करने के बाद बहुत ही क्लियर हो जाए एंड आप कॉन्फिडेंट फील करो. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय फिलिप लार्किन एंड्स विद द लाइन नेवर सच इनोसेंस अगेन. बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी ये पोएम है. मैं आपको आंसर अभी नहीं दिखा रही हूँ. वीडियो को रोकिए, अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़िए, ऑप्शंस को देखिए, अपने आंसर को स्ट्राइक करिए, तभी आपकी एक सही तैयारी मानी जाएगी कि हाँ आपको ये डिटेल्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं. ये पर्टिकुलर जो पोएट्री के बारे में बात की जा रही है वो है ये रोमन न्यूमरल्स में लिखा हुआ है जिसको 1914 में आप कन्वर्ट कर सकते हो. इस पर्टिकुलर पोएट्री का नाम है 1914. तो 1914 आपकी जो पोएट्री है वो 1964 में पब्लिश की थी आपके फिलिप लार्किन ने. इट इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल पोएम जो आपका इफेक्ट दिखाता है, जो आपके पोएट की एनालिसिस को दिखाता है वर्ल्ड वॉर वन से पहले कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद किस तरीके से आपके बोल सकते हैं कि बर्बादी इनको देखने को मिलेगी, बहुत हर चीज़ डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी. अभी लोगों की जो इनोसेंस है, अभी लोगों का जो एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड है, भाईचारा है, जो लव है, हमारी धरती प्रिजर्व्ड है, एवरीथिंग विल गेट डिस्ट्रॉयड आफ्टर द वॉर. तो ये वॉर से पहले का एक सिनेरियो सबको दिखाने की कोशिश कर रही है, तभी यहाँ पे लाइन बोली गई है नेवर सच इनोसेंस अगेन. फिर आपको ये इनोसेंस, ये ट्रैंक्विलिटी, ये इन्वायरमेंट, ये कुछ देखने को आपको नहीं मिलने वाला है. वर्ल्ड वॉर के बाद सब बर्बाद हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं यहाँ पे कुछ आपको मैंने यहाँ पे पोएट्रीज दिखाई देंगी आपको फिलिप लार्किन की जो मैंने यहाँ पे अटैच कर दी हैं कि आप लोग जरूर से इन पोएट्रीज को देख लो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है. इनकी वर्डिंग्स देख लो, इनके टेक्स्ट जाके पढ़ लो क्योंकि इनसे आपके यूजीसी नेट में काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं. अगला क्वेश्चन जो आप देखेंगे वो भी फिलिप लार्किन से ही है. इनकी जो पोएट्री कलेक्शन और इनकी फेमस पोएट्री है विट्स एंड वेडिंग, उससे डिटेल्ड क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है. फिलिप लार्किन अगर आपको अभी तक नहीं पता था, पोस्ट मॉडर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट रहे हैं एंड इनसे आपको कई क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे. सो इनकी इस पर्टिकुलर पोएट्री जो कि बहुत ही फेमस इनकी पोएट्री है, उनसे पूछा गया है कि आपको इसमें क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या इनकी विट्स एंड वेडिंग्स नाम की जो पोएट्री है एंड पोएट्री कलेक्शन भी सेम नाम से है, उसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा. मैं आपको एक चीज सिनेरियो इमेजिन कराना चाहूंगी कि दिसंबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम पे जब आपको पता है कि बड़ी शादियां होती हैं, सहालक होती है, लगी होती है, तो हर गली मोहल्ले में आप देखेंगे कि शादियां हो रही होती हैं, औरतें तैयार होकर जा रही होती हैं, बच्चे तैयार होकर जा रहे होते हैं, बैंड जा रही होती है, आपकी पूरी बारात जा रही होती है. तो वो कुछ ऐसे मंथ्स होते हैं जहाँ पे हम लोग को हर थोड़ी थोड़ी जगहों पर शादियां होते हुए दिखाई देती हैं एंड वो आपके दिमाग में एक अलग टाइप की इमेजरी को पैदा करता है कि हाँ
हाँ यार ठंड आ गई है, ठंड के टाइम में मोस्टली शादियां होती है, तो कुछ ऐसा ही सिमिलर सिनेरियो आपके विट्सन वेडिंग्स की इमेजरी में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक पोएटिक लॉन्ग ट्रेन जर्नी पर जा रहा है एंड उसको उस ट्रेन जर्नी से सब लोग शादी के जोड़े में तैयार होते हुए ऑफकोर्स इनके वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग दिखाई देते हैं। तो आपका जो पोएट है उन सारी इमेजरीज को, उन सारे लोगों को एंड वो क्या फील करता है ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल दोज हु आर सिटिंग ऑन द ट्रेन, उनको क्या क्या देखने को मिलता है, लोग शादी कर रहे हैं, मिल रहे हैं प्यार से एंड और भी जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपको इन पर्टिकुलर पोएट्री के अंदर देखने को मिलेगा। इस्टैब्लिशेस अ वी वॉइस ऑफ कलेक्टिव आउटलुक, दो ये पोएट्री के अंदर अगर आप जाके पढ़ेंगे तो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ किया गया है इनिशियली, आय के तरीके से बताया गया है इस पोएट्री के इमेज इमेजिनेशन को कि क्या इनको इनके पोएट को दिखाई देता है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ये जिस तरीके से अपनी उस इमेजरी को एक्सप्लेन करने लगते हैं तो वो वी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है कि ये सारी इमेजरी हम सब लोग को भी देखने को मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन है हम लोग के फिलिप लार्किन से, जो आपसे पूछा गया है कि उस पोएट्री का नाम बताओ, उस पोयम का नाम बताओ जो फिलिप लार्किन की सेल्फ एलेजी मानी जाती है एंटिसिपेटिंग द पोएट्स डेथ। अब आप सभी को इंग्लिश लिटरेचर के बच्चों को पता होगा कि एलेजी एक ऐसा फॉर्म ऑफ पोएट्री होता है जहाँ पे आप किसी की मृत्यु को, अपने बिलवेड की मृत्यु को, अपने दोस्त को या किसी को भी एलेजी के ऊपर, डिजीज्ड पर्सन की डेथ के ऊपर आप मौन करते हो, उसके ऊपर आप पोएट्री लिखते हो एंड काफ़ी सारी चीज़ों को आप एक्सप्लेन करते हो। अब हम लोग इसकी पास्टोरल वर्जन में नहीं जाएंगे, एलेजी ऊपर ऊपर से आप सबको पता है कि किसी की डिजीज की डेथ को क्या करता है, सेलिब्रेट करता है, उसके बारे में बात करता है। सेल्फ एलिजी क्या हुई, जब आप अपनी ही डेथ के ऊपर कॉन्टेम्पलेशन करते हो। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग भी सोचते हैं कि हम भी यार एक दिन मर जाएंगे, आज हम लोग की इतनी उम्र हो गई है, अभी कुछ और ही साल होंगे, ये देखने को मिलेगा, फिर एक दिन क्या होगा, हम लोग मर जाएंगे। सो व्हेन यू स्टार्ट कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन योर ओन डेथ एंड ऑन द इनएविटेबिलिटी कि आपकी मृत्यु तो होनी ही होनी है, आप ऐसा नहीं है कि आप नश्वर हो, आप हमेशा के लिए रहोगे, ठीक है। तो ये जो इनका पर्टिकुलर थॉट है वो आपको कौन सी पोएट्री के अंदर देखने को मिला था, ओबेट, इनकी बहुत ही ब्यूटीफुल पोएट्री है, आप जरूर से इसके टेक्स्ट को पढ़कर जाइएगा क्योंकि इससे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आ जाते हैं हम लोग अगले राइटर के टुवर्ड्स, विच इज टेड ह्यूज। आप सबको पता होना चाहिए कि सिल्विया प्लैथ के ये पति देव थे, काफी इन लोग के बीच में मतलब शादी इनकी अच्छी चली लेकिन आगे जाके फिर बहुत चीज़ें गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से सिल्विया प्लैथ डिप्रेशन में आ गई, शी कमिटेड सुसाइड, इनका भी कहीं अफेयर चल रहा था। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट ये बहुत ही सेलिब्रेटेड पोएट है आपके ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर एंड पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर या एरा के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट एक राइटर है जिनका एक बहुत ही यूनिक स्टाइल है नेचर को पोर्ट्रे करने का, बहुत ही ब्यूटिफुल ये पोएट्री लिखते हैं आपके एनिमल्स के ऊपर या फिर पूरे ओवरऑल नेचर के ऊपर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडस्केप्स ऑफ इंग्लिश फिगर्स प्रीडोमिनेंटली इन द पोएट्री ऑफ टेड ह्यूज। टेड ह्यूज की पोएट्री में ऐसा कौन सा फिगर है इंग्लैंड का जो आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे इंडियन पोएट्स भी होते हैं जैसे उन्होंने किसी भी पर्टिकुलर लैंडस्केप के ऊपर अपने वर्क लिख रखे हैं, किसी किसी जगह से वो लोग ऑलरेडी खुद से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आप टेड ह्यूज की बायोग्राफी को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नदन यॉर्कशायर एंड आपके सदन यॉर्कशायर से ही जुड़े हुए हैं, तो इनकी पोएट्री के अंदर आपको यॉर्कशायर मोर्स ये किसी लैंडस्केप का नाम है। जैसे आप सब लोग जानते हो ना कि वर्ड्सवर्थ लेक डिस्ट्रिक्ट में जाकर रहे थे, तो लेक डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी सारे लैंडस्केप वो आपको उनकी पोएट्री में देखने को मिल जाएंगे। आप अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के बगल में रहते हो, मैं सपोज आपके पेरिस के आईफिल टावर के बगल में रहती हूँ, तो अगर मैं कोई पोएट्री लिखती हूँ तो उसकी झलकियाँ आपको मेरी पोएट्री में देखने को मिलेंगी। सो इंसान जिस पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करता है उसकी जो लैंडस्केप चीज़ें होती हैं वो उसकी पोएट्री में आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है जो आपके यूजीसी नेट में काफ़ी बार पूछा जाता है, जहाँ पे आपको आधी आधी आपकी पोएट्री की लाइंस दे दी जाएंगी एंड आपको बताना होगा, मैच करना होगा उन टेक्स्ट को पढ़ के कि भाई कौन सी सही मैच कर रही है। ये जो आपके टाइप के क्वेश्चंस है वो आपको रोमांटिक एरा से ज़्यादातर देखने को मिलेंगे कि रोमांटिक एरा के जो पोएट्स हैं उनके वर्क्स के जो टेक्स्ट है वो पोएट्री के टेक्स्ट है वो आपसे बहुत पूछे जा रहे हैं। विक्टोरियन राइटर्स के जो टेक्स्ट है वो बहुत पूछे जाते हैं। देन आगे बढ़ते बढ़ते मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न, ये जो चार एजेस है ना बेटा, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना कि इनके जो राइटर्स हैं उनकी पोएट्री के जो वर्डिंग्स हैं, जो एग्जैक्ट टेक्स्ट है वो आपसे पूछे जाते हैं एंड और बाकी एजेस के कंपैरिजन में इन चार एजेस के अगर आप
पोएट्री के टेक्स्ट को अच्छे से रट लेते हो तो उसमें से क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। सो भाई वीडियो को रोकिए, अपना आंसर यहाँ पे स्ट्राइक करिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आंसर आपको दे दिया है। आई होप आपका आंसर सही बैठा होगा। मुझे कॉमेंट भी करके बताना कि आपको ये इसके जो वर्ब्स हैं थ्रशेस, द जैगुआर, रेलिक एंड हॉक रोस्टिंग, आप जरूर से कॉमेंट करें, आपको एग्जाम के टाइम तक याद रहेगा कि ये कौन कौन से पोएट के वर्ब्स हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, हमारे इंग्लिश लिटरेचर में काफी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, जो कि आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे आपको कुछ पोएट्स दे दिए जाएंगे एंड आपके पोएट्स ने, काफी सारे ऐसे पोएट्स हुए हैं जिन्होंने चिड़ियाओं पे, अपनी अपनी पसंद की चिड़ियाओं पे क्या लिखी है, पोएट्री लिख रखी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जॉन कीट्स भैया नाइट एंगल पर लिखते हैं, हमारे पी बी शेली ने स्काईलार्क पर लिखा है, देन हॉपकिंस, टेड ह्यूज, आप सबको पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से पोएट ने कौन कौन सी चिड़िया पर आपकी पोएट्री लिख रखी है। मैंने आंसर यहाँ इंक्लूड कर दिया है फॉर यू टू सी एंड मैच योर आंसर, ठीक है। अगला जो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, वो भी है आपके टेड ह्यूज से, जो कि इनकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल, आई वुड से वंडरफुल इनकी ये पोएट्री है। अगर आपने इसका टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, समरी नहीं देखी है, तो अभी जाकर इस वीडियो के बाद जरूर से पढ़ना, यू विल बी अमेज्ड कि कितनी ब्यूटीफुल थॉट से इन्होंने इस पर्टिकुलर पोएट्री को लिखा है। द थॉट फॉक्स, जो इनकी एक पोएट्री है जिसके अंदर ये जो फॉक्स का इन्होंने मेटाफर इस्तेमाल किया है फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड द आइडिया जो आपके दिमाग में आता है, आप किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में जब बैठकर सोच रहे होते हो तो वो कौन से प्रोसेस एंड स्टेप्स होते हैं जिसमें आपके आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर आप उनको पन्नों पे उतारते हो। सो दिस एंटायर प्रोसेस हैव बीन एक्सप्लेन्ड विद द एग्जांपल ऑफ द फॉक्स एज अ मेटाफर, कि वो किस तरीके से जंगल में आपके बर्फीले रास्तों से धीरे धीरे चलता हुआ आपकी खिड़की के सामने आ जाता है। इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल पोएम, यू मस्ट गो एंड रीड इट। आंसर आपके सामने है कि ये जो पर्टिकुलर पोएम है बात करती है थॉट माने कि विचारों के बारे में, कि आपके दिमाग में विचार पहले कैसे आते हैं। तो कंफ्यूजन काफी बच्चों को हो सकता है कि नहीं, ये जो पोएट्री है वो आपकी फॉक्स के बारे में है, लेकिन फॉक्स एनिमल के बारे में नहीं है, ये थॉट के बारे में है जो फॉक्स का मेटाफर यूज करके आपको दिखाई गई है। यहाँ पे प्रोसेस ऑफ राइटिंग को डिनोट किया गया है एंड प्रोसेस ऑफ राइटिंग के साथ ही साथ जो विचार है वो आपके दिमाग में या पोएट के दिमाग में कैसे फॉक्स की तरह अंधेरे में से अचानक से एक लाइट की तरह इमर्ज होते हैं, उसके बारे में बात की गई है। Which of the following poems by Seamus Heaney comes under the bog poems? Again, हमारे modern era के अंदर आ जाते हैं। Seamus Heaney very very important writer he is, बहुत ही अच्छे poet हैं, इनको काफ़ी सारे awards मिल रखे हैं। इनका जो poetry style था उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको Irish nationalism and Irish topics के बारे में देखने को मिल जाएगा। बॉक पोएट्री के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, बॉक पोएट्री इनका बड़ा ही अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे ये पुराने ज़माने या फिर आयरन एज के अंदर जो रिचुअलिस्टिक किलिंग्स की जाती थी, सैक्रिफाइसेस किए जाते थे या फिर क्रुअल्टी के बेसिस पे लोगों को मार दिया जाता था, जला दिया जाता था, फिर उनकी बॉडीज़ को किस तरीके से प्रिजर्व करके रखा जाता था, उनकी बॉडीज़ को जब ये लोग खोलते थे, देखते थे या फिर हिस्टोरिकली चीज़ों को जानने की कोशिश करते थे, तो उन टाइप की पोएम्स को भैया ट्राइंग टू फाइंड अ काइंड ऑफ ट्रेजर या फिर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग आउट of the history through those dead bodies, उनका नाम दिया है बॉक पोएम्स। तो यहाँ पे आपको काफी सारी पोएम्स देकर पूछा है कि बताइए कि सीमा सीनी के कलेक्शन जहां पर इनकी काफी सारी बॉक पोएट्री है उसमें से कौन सा यहाँ पर नाम है। तो पनिशमेंट इनकी एक बॉक पोएट्री है एंड टोल्यून पैन इनकी एक बॉक पोएम है। मैंने लिस्ट भी बनाई है, मैं अभी आपको प्रोवाइड करती हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा वो भी बॉक पोएट्री से ही रिलेटेड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक पोएम्स डज सीमस हीनी स्पीक अबाउट द पेरिशेबल ट्रेजर ऑफ अ बॉडी मर्डर्ड, फॉरगॉटन, नेमलेस एंड टेरेबल। मैंने आपको बताया ना कि फॉरगॉटन ट्रेजर के बारे में ये लोग बात करते हैं, वो बॉडीज जिनको रिचुअलिस्टिक किलिंग्स की वजह से, जिसे बोलते हैं ना, समर्पित कर दिया गया, सेक्रीफाइस कर दिया गया उनको, फिर प्रिजर्व, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग इसको सर्च चाहो तो कर लेना। उसमें से कौन सा इस पर्टिकुलर पोएम के बारे में बात करता है, ये है आपका स्ट्रेंज फ्रूट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दी है आपको कि आपसे कभी पूछा जा सकता है कि कौन सी बॉक पोएट्री, कौन कौन सी आपकी सीमा सीनी की बॉक पोएट्री का पार्ट नहीं है, तो ये तभी कर पाओगे जब बॉक पोएट्री कौन सी है वो आपको पता होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमस हीनीज डिगिंग, इनकी अगेन एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बेहतरीन, ये इनकी एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई ये पोएट्री है, जरूर से इसका टेक्स्ट पढ़िएगा। इन हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट इलस्ट्रेट्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, आपको इनकी पोएट्री डिगिंग के बारे में जरूर से पता होगा। आई वुड नॉट एक्सपेक्ट कि कोई ऐसा बच्चा होगा जिन्होंने डिगिंग को छोड़ दिया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी पोएट्री है, जरूर से इसको पढ़िएगा, छोटी सी है, ज्यादा ऐसी कठिन भी नहीं है, समझ जाओगे तुरंत।
तो उसको आपने पढ़ा होगा, आंसर आपके सामने ये है कि हिज ऑब्सेशन विद आयरिश लेजेंड एंड फोकलोर। आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम अभी तो आपने बोला कि ये आयरिश मूवमेंट्स एंड आयरिश क्या कहते हैं नेशनलिज्म के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें लिखते हैं, जो बिल्कुल सही है, लेकिन आयरिश फोकलोर एंड आयरिश लेजेंड के बारे में इस पर्टिकुलर पोएट्री डिगिंग के अंदर इन्होंने बात नहीं की है। इसके अंदर ये अपनी प्री ऑक्यूपेशन एंड अपने रूट्स के बारे में बात करते हैं, लेबर के बारे में बात करते हैं, एंड कैसे ये अपने एंसेस्टर्स की तरह डिगिंग की तरह डिग नहीं करते हैं या फार्मर नहीं बन पाए उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में ना आके, ये अपनी पोएट्री और अपने कलम से लिखने की ही कला को ही इस पर्टिकुलर जगह पे वेलराइज करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, हु इज द 20th सेंचुरी पोएट और विनर ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर हु रिजेक्टेड द लेबल ब्रिटिश दो ही हैज ऑलवेज रिटन इन इंग्लिश रादर देन हिज रीजनल लैंग्वेज। यहाँ पे बात हो रही है आपके सीमस हीनी की, जो कि अगेन आपकी आयरिश भाषा से एसोसिएटेड है, जो इनकी नेशनल लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज इसको मानते हैं। इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिल रखे हैं, नोबल प्राइज मिल रखे हैं, अपने आप को ब्रिटिश लेबल ये लेना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, देन अगेन आपका एक क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको बहुत ही फेमस राइटर्स की पोएट्री की लाइंस आपको देखने को मिल जाएगी। मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट इन द फाउल रैगन बोन शॉप ऑफ द हार्ट सो मास्टर्ड बाय द ब्रूट ब्लड ऑफ एयर एज वेरी हार्टेड एज दैट हॉलो मून। काफ़ी सारी पोएट्री जो यहाँ पे नाम लिखी हुई है फेमस है, आप सबको पता होना चाहिए कि ये कौन से पर्टिकुलर राइटर को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, देन अगेन आपको यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो भाई, मैंने आपको ऑलरेडी एजेस बता दी हैं, प्लीज उस बात को नजरअंदाज मत करिएगा, अदरवाइज यू विल बी मिसिंग आउट ऑन सम क्वेश्चंस। कुछ ही आपकी ऐसी पोएट्री हैं जिनसे रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखो, लीडा एंड द स्वान आपने देखा, अगेन आपने लीडा एंड द स्वान देखा, एडम्स कार सेलिंग टू बाइजेंडियम, ये इंपॉर्टेंट आपकी पोएट्री है जो हम लोग मास्टर्स के टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो इफ यू आर अ लिटरेचर स्टूडेंट एंड यू आर गोइंग इन टू द एग्जाम थिंकिंग कि आपने इस पर्टिकुलर पोएट्री के टेक्स्ट नहीं पढ़े हैं एंड चल जाएगा, तो बेटा नहीं चलेगा। अभी भी आपके पास टाइम है, 2-3 दिन है, इनके टेक्स्ट को आप लोग एक बार रट लेना, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आप रटोगे ही, तो वो आपके काम आ जाएगा, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। मैंने ऑलरेडी क्रोनोलॉजी के ऊपर एक फुल वीडियो बना के रखा है, जहाँ पे मैंने पूरे लिटरेचर के सेक्शंस को एनालाइज करके ये बताया है कि वो कौन से ऐसे सेक्शंस हैं, वो कौन से ऐसे राइटर्स हैं जिनसे आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आप यू कैन नॉट गो एंड एस्केप, यू कैन नॉट गो पास दैट। आपको टी एस एलियट, डब्ल्यू बी ईट्स, रेमंड विलियम्स हो गए, देन और भी बहुत सारी मैंने लिस्ट वहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड की है, इनसे आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस ना मिले तो आपका यूजीसी नेट खुश नहीं होगा। सो प्लीज आप लोग इनकी क्रोनोलॉजिकल वर्क्स को अगर रट लेते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एंड आपके आंसर्स बनने लगेंगे, यू विल गेट सम मार्क्स। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग लाइंस इन द पोएट्री ऑफ द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। यहाँ पे अब आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में पता लगाना है कि भैया ये कौन सा पर्टिकुलर पोएट्री है, ये कौन से राइटर को बिलोंग करता है, कब ये पब्लिश हुई है। तो डब्ल्यू बी ईट्स है, यहाँ पे हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, देन हमारी सिल्विया प्लैथ है, हमारी एमिली डिकिंसन है, इंपॉर्टेंट एंड ऑल मेजर राइटर्स के ये नाम मैंने लिए हैं। इनकी जो ये टेक्स्ट हैं ये आपको पता ही होने चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने इनको छोड़ा है ना, आप मजे कर रहे हो कि नहीं यार ये तो नहीं आएंगे, ये आएंगे। ठीक है, Which of the following images is not a part of W.H. Auden's poem in memory of W.B. Yeats? W.B. Yeats जिस era को belong करते हैं, उनके तुरंत बाद W.H. Auden आपके एक महान writer माने जाते हैं W.B. Yeats के बाद, एंड ये बहुत पसंद एंड influence भी थे आपके W.B. Yeats से, इतने हद तक कि इन्होंने इनकी death पर poetry भी लिख रखी है। तो वो जो poetry है in memory of W.B. Yeats के अंदर काफ़ी सारी imagery आपको देखने को मिल जाएगी। आपसे पूछा है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो आपको इनकी पोएट्री में देखने को नहीं मिलेगा। So, देखो इतने डिटेल में क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस के ही जरिए अगर आपने इनको नहीं पढ़ रखा है तो आप इसको जरूर से पक्का कर लीजिएगा। मेमोरी स्कैटरिंग लाइक बीट्स, ये जो पर्टिकुलर आपका इमेजरी है वो उसमें नहीं है, बाकी जो ऊपर की तीन आपको दिखाई देती हैं वो उसमें है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस डज नॉट फिगर इन ऑर्डेंस म्यूज डेज ब्योक्स आर्ट्स। इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होगा म्यूजियम ऑफ द फाइन आर्ट्स, जहाँ पे ये विजिट करते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें देख पाते हैं ऑर्डन। यहाँ पे जो डब्ल्यू एच ऑर्डन है वो लेफ्ट लीनिंग टेंडेंसीज के साथ आपके आते हैं, जो जनता के बारे में सोशल इशूज़ के ऊपर बात करते हैं एंड बहुत
इनको लेके काफी सारे राइटर्स भी इनको फॉलो करते हैं, ऑर्डन जनरेशन बन जाती है, ये महान राइटर है, कोई ऐसे आलू चालू राइटर नहीं है। तो इस पर्टिकुलर आपकी पोइट्री के अंदर इनको कौन सा ऐसा इमेज है जो नहीं देखने को मिलता है, समथिंग वेरी सिमिलर जो हम लोग ने पहले भी एक क्वेश्चन में देखा, ब्रांचेस ऑफ आइसोलेशन एंड द बिजी ग्रीव्स, ये एक ऐसा इमेजरी है जो आपको इनको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आ जाते हैं हम लोग अपने फेमस राइटर टी एस एलियट पे। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड पुफॉक, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोयम, यू कैन नॉट मिस दिस पोयम। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो भाई इस वीडियो को देखने के बाद इस पोएट्री को जाके जरूर से पढ़ लेना, डिटेल में मत पढ़ना, इसकी समरी, तमाम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मिल जाएंगे जो आपको मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर पोएट्री से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आपसे पूछा है कि इस पर्टिकुलर पोएट्री के अंदर वो कौन से दो फेमस फिगर्स हैं जो आपको इस पोएट्री के अंदर एज रेफरेंस देखने को मिल जाएंगे, तो आंसर है आपका माइकल एंजेलो एंड देन आपका हैमलेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोथ टी एस एलियट की जो दो पोएम्स है आपकी जे अल्फ्रेड पुफॉक एंड देन योर वेस्टलैंड, ये कॉमन क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि उस पोएट्री के अंदर किस किस चीज का एल्यूजन लिया गया है, किस किस चीज का रेफरेंस लिया गया है, सो आपको इसको जरूर से करना चाहिए। ठीक है, देन रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो मैं एक रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आई ताकि आप लोग इस चीज की गंभीरता को समझे, सीरियसनेस को समझे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पोएम इंपॉर्टेंट है, ये पोएट इंपॉर्टेंट है, मुझे इसको छोड़कर नहीं जाना है। इन एलियट्स लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड पुफॉक, हू अमंग द फॉलोइंग पेंटर्स इज द सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्सेशन अमंग द प्रीएम्बुलेटिंग वुमेन, औरतों के बीच में कौन टॉपिक बन गया था, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जिसकी वजह से भाई अल्फ्रेड पुफॉक को बड़ा जेलस फील होता है, बहुत ही अपने इनसिक्योर फील होता है, ये है आपके माइकल एंजेलो। देखो दो रिपीटेड क्वेश्चन आपको सिमिलर दिखाई दिए, इसका मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर इज नॉट डायरेक्टली रेफर टू इन टी एस एलियट्स वेस्टलैंड, सिमिलर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वहां पे जे अल्फ्रेड पुफॉक में हैमलेट का नाम लिया हुआ है, पूछा गया है कि वेस्टलैंड के अंदर कौन सा ऐसा वर्क है जो नहीं मेंशन किया गया है, नहीं उसका रेफरेंस लिया गया है, ये है आपका किंग लियर, दैट मींस कि हैमलेट, कोरिओलिस एंड आपका टेम्पेस्ट। आप चाहो तो पोएट्री को सर्च करके उसका थोड़ा बहुत टेक्स्ट भी पढ़ सकते हो, हालांकि वेस्टलैंड का टेक्स्ट देख के बच्चों का दिमाग उड़ जाता है क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड फ्रेगमेंटेड स्टाइल में लिखी हुई है, लेकिन बाकी डिटेल्स आप लोग इसकी जरूर से एक पूरे नोट्स में बनाकर जाना, वो आएंगे ही आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशनड एज अ पार्ट ऑफ लंडन लोकेल इन द वेस्टलैंड, आपके वेस्टलैंड के अंदर मतलब टेक्स्ट को लेके चीजें ना पूछ के काफी सारी और चीजें पूछी गई है कि कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट जगह है जिसके बारे में बात नहीं मेंशन नहीं किया गया है, तो मैग्नस मार्टर, मैरी वुलनॉथ, ये वाली जो जगह है ये भी मेंशन की गई है, मैंने पूरी लिस्ट बनाकर यहाँ पे आपको मेंशन कर दी है ताकि आप लोग पढ़ लो कि वो कौन कौन सी वेरियस लंदन की लोकेशन है जिसके बारे में रेफरेंस लिया गया है, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट मार लेना एंड बाकी इन्फॉर्मेशन आप लोग जरूर से गैदर करना। लास्ट क्वेश्चन दैट वी सी ऑन आवर स्क्रीन इज कि वेस्टलैंड जो आपके डिफरेंट सेक्शंस में पोएम्स जो पोएट्री आपके डिवाइडेड है उसकी क्रोनोलॉजी पूछी गई है कि किस तरीके से आपके डिफरेंट सेक्शंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, ये क्वेश्चन बच्चों को रटा होना चाहिए। कोई भी अगर ऐसा बच्चा है जिसको ये वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, बेटा आपको इसी क्वेश्चन के जरिए आप लोग यहीं पे यहीं लर्न करके जाना जहां पे आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रॉपर इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, इसी के साथ एंड करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छी मदद मिली होगी आपको। आप चाहें तो हमारे पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को अवेल करके सेक्शन वाइज एंड ईयर वाइज एंड शिफ्ट वाइज क्वेश्चन लगा सकते हैं, मैंने सारे सिलेबस को सेग्रीगेट करके रखा है यहाँ पे। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, ईजी लगता है, तो आप मेरे पेड कोर्सेस को चेकआउट करेंगे जहाँ पे आपके डिफरेंट सेक्शन वाइज छोटे छोटे मिनी कोर्सेस के थ्रू आपके मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर करके रखा है विद क्वेश्चंस, मैंने कोई क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन नहीं छोड़ा है अपने पेड कोर्सेस के अंदर। तो आप अगर उसको अवेल करते हो तो आपको फिर किसी बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं होगी, यू आर गोइंग टू गो कॉन्फिडेंट आफ्टर वॉचिंग एनी ऑफ माई और अवेलिंग आफ्टर एनी ऑफ माई पेड कोर्सेज। मेरे यूट्यूब से आप लोग जरूर से जुड़े रहे, यहाँ पे आपको इसी तरीके से बड़े अच्छे अच्छे एंड इंसाइटफुल वीडियोज मिलते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बनना ना भूलें, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करो जाके। मेरे इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर फ्री में आपको बहुत सारी चीजें एंड सर्विसेज मिल जाती हैं जो एक बच्चे के प्रिपरेशन जर्नी में उनकी बहुत ज्यादा मदद करती है। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अपना प्यारा सा फीडबैक देना जरूर से मत भूलना, क्योंकि आपके फीडबैक्स तो भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, आई लव टू लिसन टू देम, एंड उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं इसी तरीके से आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज बनाती रहूँ। आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।